हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीनियस ट्यूटोरियल। और आज मैं आपके सामने लाया हूँ स्टूडेंट क्लास 12th का मैथमेटिक्स। और इस मैथमेटिक्स में आपको इन 7 पॉइंट्स को मैं आपको डिस्कस करने वाला हूँ। तो आइए देखते हैं कौन कौन से 7 पॉइंट्स हैं हमारे पास। तो पहला जो पॉइंट है वो है एग्जाम्पल ऑफ पावर सेट, एंड सेकेंड पॉइंट है एग्जाम्पल ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन बट नॉट सिमेट्रिक, एंड देन एग्जाम्पल ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन बट नॉट रिफ्लेक्सिव, है ना। और वैसे ही फोर्थ आपका है एग्जाम्पल ऑफ रिलेशन विच इज नाइदर रिफ्लेक्सिव एंड नॉर सिमेट्रिक, एंड फिफ्थ एग्जाम्पल है एग्जाम्पल ऑफ अ रिलेशन विच इज ट्रांजिटिव, है ना, बट नॉट रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक, ठीक है। एंड सिक्स्थ एग्जाम्पल की बात करें तो वो है एग्जाम्पल ऑफ रिलेशन विच इज सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव, ठीक है। एंड एग्जाम्पल ऑफ अ इक्विवेलेंस रिलेशन, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं तुल्यता संबंध। तो ये सारे चीज़ों का हम लोग क्या करने वाले हैं, एग्जाम्पल देखने वाले हैं। तो यदि आपने पहले मेरा वीडियो नहीं देखा होगा कि रिलेशन क्या होता है, तो आप मेरे पहले वाले वीडियो को अच्छे से देख लीजिएगा, उसके बाद इसको आप देखिएगा, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो आइए देखते हैं स्टूडेंट कि एग्जाम्पल फर्स्ट हम देखेंगे एग्जाम्पल ऑफ पावर सेट, एग्जाम्पल ऑफ पावर सेट। तो कैसे हम पावर सेट का एग्जाम्पल हम किस तरीके से लेंगे, तो समझते हैं पावर सेट के बारे में। पावर सेट मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि पावर सेट क्या होता है, किसी भी सेट का सबसेट का कलेक्शन, सारे सबसेट का कलेक्शन जो होता है वो क्या होता है, पावर सेट होता है। जैसे कि मैं ए को चुनता हूँ 1 और 2, तो ए ए को मैंने चुना 1 एंड 2, तो यहाँ पे ये जो ए जो है वो सेट है, इसका मैं पावर सेट बनाऊंगा। तो पावर सेट मैं किस तरीके से बनाऊंगा कि पावर सेट ऑफ ए में कितने मेंबर होंगे, इसके बारे में मैं बताऊँ आपको। तो सबसे पहले ये समझ लीजिए कि ए में कितने मेंबर है, तो 2 मेंबर है, तो उसको हम बोलते हैं कार्डिनलिटी ऑफ ए जो होगा वो 2 है। और पावर सेट ए में कितने मेंबर होंगे, तो बात करें तो 2 की पावर कार्डिनलिटी ऑफ ए होगा, दैट इज यहाँ पे आएगा 2 to the power 2, मतलब यहाँ पे 4 एलिमेंट आएगा। तो आपको पावर सेट ए में कितने एलिमेंट मिलेगा, 4 एलिमेंट। तो 4 एलिमेंट के लिए हम किस तरीके से निकालेंगे, तो हमको हमेशा ये याद होता है कि किसी भी सेट का जो सबसेट होगा उसके लिए बात करें तो एम्प्टी सेट जो होता है हर एक सेट का सबसेट होता है। तो इसलिए मैं एम्प्टी सेट को यहाँ पे लिखूंगा, एम्प्टी सेट जो होगा पावर सेट में आएगा, क्योंकि यह जो है ए का सबसेट बन सकता है, ठीक है। और यदि केवल एक ही एलिमेंट लूँ तो एक ही एलिमेंट वाला जो एलिमेंट होगा वो आपका क्या बन जाएगा, एक सबसेट बन जाएगा 1 2 का, है ना, तो ये भी इसके अंदर आएगा। फिर एक एलिमेंट 2 अकेला 2 वाला जो होगा वो भी क्या होगा, पावर सेट में आएगा। और हम बात करें टोटल कि 1 2 दोनों को ले लिया जाए, मतलब कोई भी सेट अपने खुद का सबसेट होता ही है, इसलिए हम बोलेंगे ए भी अपने आप का सबसेट है, इसलिए यहाँ सबसेट का कलेक्शन के रूप में पावर सेट में आ जाएगा। तो इस तरीके से पावर सेट का हम एग्जाम्पल लिखेंगे, ठीक है। तो आप लोग आपको मैं एक होमवर्क दे दिए रहता हूँ जिसको आपको बनाना है कि यहाँ पे केवल एक एलिमेंट है ए और आपको पावर सेट ऑफ ए निकालना है। तो आप एक बार इसको ट्राई करके देखिएगा कि कितने आने वाले हैं, कितने एलिमेंट इसमें आएगा। अब आगे देखते हैं हम लोग दूसरा हमारा एग्जाम्पल जो है वो है क्या, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, है ना, एग्जाम्पल ऑफ अ रिलेशन विच इज रिफ्लेक्सिव, मतलब स्वतुल्य, स्वयं के तुल्य हो या बराबर हो, स्वयं के बराबर हो या स्वयं के समान हो, तो वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा, बट नॉट सिमेट्रिक। ये था हमारा सेकेंड वाला जो एग्जाम्पल है वो नॉट सिमेट्रिक। तो इसको हम कैसे समझेंगे उसके बारे में देखिए। तो मैं इसमें क्या लेता हूँ, एक ए बी सी के या फिर 1 2 3 का मैं क्या ले लेता हूँ, सेट ले लेता हूँ, 1 2 3 का सेट ले लिया। अब मेरे को ऐसा रिलेशन लिखना है यहाँ पे जो क्या हो, केवल रिफ्लेक्सिव हो लेकिन
सिमेट्रिक ना हो। तो सिमेट्रिक में क्या होता है स्टूडेंट, सिमेट्रिक में क्या होता है कि यदि ए जो है बी के साथ जो भी रिलेशन रखता है वही रिलेशन बी जो है ए के साथ रिलेशन रखना चाहिए, तो ऐसा होता है सिमेट्रिक रिलेशन, है ना। या फिर ऐसा बोल दिया जाए कि ए बराबर है बी का तो बी भी बराबर होगा ए का, तो ये वाला जो बराबर होना जो है सिमेट्रिक रिलेशन है, है ना। तो इसलिए हम क्या करेंगे कि एक ऐसा रिलेशन लिखेंगे जिसमें हमारे पास क्या हो, वो रिफ्लेक्सिव तो हो लेकिन सिमेट्रिक ना हो। तो सिमेट्रिक ना हो और रिफ्लेक्सिव हो, रिफ्लेक्सिव में क्या होता है, रिफ्लेक्सिव में स्वयं के बराबर होना या स्वयं के इक्वल होना, तो ये जो होता है वो क्या होता है हमारे पास रिफ्लेक्सिव होता है, रिफ्लेक्सिव मतलब स्वतुल्य होता है। तो देखिए मैं एक रिलेशन लिखता हूँ, वन वन, वन का वन के साथ रिलेशन है, टू का टू के साथ रिलेशन है, थ्री का थ्री के साथ रिलेशन है, और मैं लिख दिया यहाँ पे वन टू और टू थ्री, ऐसा बस लिख दिया, ठीक है। तो देखिए ये एक ऐसा रिलेशन है जो रिफ्लेक्सिव है, रिफ्लेक्सिव में हर एक एलिमेंट के लिए, तो ए का कितने एलिमेंट है, तीन एलिमेंट है, तो तीनों एलिमेंट के लिए वन का रिलेशन खुद के साथ होना चाहिए, तो है ना, वन का रिलेशन वन के साथ, टू का रिलेशन टू के साथ होना चाहिए, तो टू का रिलेशन टू के साथ है, ये हमने यार रिलेशन डिफाइन किया है, ठीक है। और थ्री का रिलेशन थ्री के साथ होना चाहिए, तो थ्री का रिलेशन थ्री के साथ है, तो ये तीनों मिल के क्या बन गया, ये तीनों मिल के आपको बना दिया, ये जो है रिफ्लेक्सिव है, स्वतुल्य रिलेशन है, ऐसा ये डिसाइड हो गया यहाँ पे, ठीक है। अब बताइए मैं बात करता हूँ किसके बारे में, सिमेट्रिक के बारे में। तो सिमेट्रिक के बारे में क्या करते हैं, कोई दो एलिमेंट लेना है, जैसे मैंने लिया वन टू, तो वन यदि वन रिलेटेड है टू से तो टू रिलेटेड भी होना चाहिए वन से, क्या है, वन यदि टू के साथ रिलेशन रखता है तो टू भी रिलेशन रखना चाहिए वन के साथ। तो यहाँ पे तो नहीं दिख रहे हैं, वन जो है टू के साथ तो रिलेशन लगता है लेकिन टू जो है वन के साथ रिलेशन वाला कोई भी यहाँ पे मैंने नहीं लिखा है, इसलिए यह सिमेट्रिक नहीं है। और ये केवल हम कोई भी दो एलिमेंट के लिए यदि एक भी हमको ना मिले तो हम बोल देंगे सिमेट्रिक नहीं है, है ना। और यदि हम चुनते हैं कोई भी दो एलिमेंट तो उसके लिए आपको मिलना चाहिए कि वन का रिलेशन टू के साथ तो टू का रिलेशन वन के साथ होना चाहिए, या मैंने बोला टू का रिलेशन थ्री के साथ तो थ्री का टू के साथ भी रिलेशन होना चाहिए, तभी मैं बोलता क्या होता वो सिमेट्रिक है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, केवल ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। तो हमारा थर्ड एग्जाम्पल है एग्जाम्पल ऑफ सिमेट्रिक बट नॉट रिफ्लेक्सिव। तो इसके लिए हमको क्या करना है कि जैसे मैं ए के ए इज इक्वल टू वन टू थ्री ले लेता हूँ और R इज इक्वल टू मैं ऐसा लिख लेता हूँ वन 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 टू उसके बाद वन थ्री टू वन थ्री वन एंड टू थ्री थ्री टू ऐसा मैं लिखता हूँ। तो देखिए सिमेट्रिक के लिए हमको क्या चाहिए, वन का रिलेशन टू के साथ होना चाहिए तो टू का रिलेशन भी वन के साथ होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे है हमारे पास टू का रिलेशन वन के साथ में, ऐसे ही थ्री का रिलेशन वन के साथ में है तो वन का रिलेशन थ्री के साथ में है, ठीक है। ऐसे ही टू का रिलेशन थ्री के साथ में है तो थ्री का रिलेशन भी टू के साथ में है। तो सिमेट्रिक में क्या होता है, यदि ए का रिलेशन बी के साथ हो तो B का रिलेशन भी A के साथ होना चाहिए, और ये फॉर ऑल A B बिलोंग्स टू जो भी सेट का एलिमेंट होता है उसके लिए सेटिस्फाई होना चाहिए। तो ये हो रहा है ये इस एग्जांपल में, है ना। बट रिफ्लेक्सिव नहीं है, रिफ्लेक्सिव नहीं है क्यों, क्योंकि हर एक एलिमेंट के लिए जैसे मैं A का रिलेशन A के साथ करूं तो सेटिस्फाई होना चाहिए हर एलिमेंट के लिए। जैसे मैंने बोला वन जो वन का रिलेशन वन के साथ है लेकिन टू का रिलेशन टू के साथ नहीं है, कहीं भी टू टू नहीं लिखा गया है, इसका मतलब ये सिमेट्रिक है बट रिफ्लेक्सिव नहीं है, ठीक है। तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। आइए फिर हम नेक्स्ट एग्जांपल पे बात करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था चौथा जो क्वेश्चन है हमारे पास, एग्जांपल ऑफ रिलेशन विच इज नाइदर रिफ्लेक्सिव एंड नॉर सिमेट्रिक। तो हम लिख लेते हैं Example of a relation
रिलेशन विच इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक। ना तो वो रिफ्लेक्सिव हो और ना ही वो सिमेट्रिक हो। तो ये दोनों का हमको एग्जांपल बताना है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, सामान्य आप a इज इक्वल टू जैसे आपने 1, 2, 3 लिया है वही लीजिए और आप r को रिलेशन को डिफाइन कर दीजिए। r इज डिफाइंड बाय, ये जो साइन है वो कहलाता है डिफाइंड बाय, ठीक है, डिफाइंड बाय। तो ये जो साइन के वजह से हम कौन सा डिफाइन कर रहे हैं, रिलेशन को छोटा होना, ऐसा रिलेशन डिफाइन कर रहे हैं क्या, छोटा है ऐसा हमारे पास एक रिलेशन है। तो इस रिलेशन को हम डिफाइन करेंगे। तो ऐसे देखिए, 1 जो है लेस देन है 2 से, 2 लेस देन है 3 से, ऐसा एक रिलेशन हमारे पास है, ठीक है। तो इस रिलेशन में क्या करेंगे बताइए, कि ये जो है ना तो रिफ्लेक्सिव है और ना ही सिमेट्रिक है। क्यों नहीं है, देखिए हम बात करेंगे रिफ्लेक्सिव क्यों नहीं है। तो रिफ्लेक्सिव इसलिए नहीं है क्योंकि कोई भी नंबर अपने खुद से छोटा हो नहीं सकता, ठीक है। लेकिन हमारे पास रिफ्लेक्सिव होने के लिए क्या होना चाहिए, कि उसको हर एक मेंबर को खुद के साथ रिलेशन रखना चाहिए। लेकिन हमने रिलेशन ऐसा डिफाइन किया जो खुद के साथ रिलेशन नहीं रख सकता, इसलिए हम बोलेंगे कि ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। अब बात करते हैं सिमेट्रिक की। तो सिमेट्रिक है या नहीं उसके बारे में बात करें, तो यदि मैं बोलूँ कि कोई भी चीज़, एक चीज़ जो है दूसरे चीज़ से छोटा है और दूसरा चीज़ पहले चीज़ से छोटा है, ऐसा संभव है ही, हो नहीं सकता, है ना। तो इसलिए यहाँ पे सिमेट्रिक भी नहीं होगा। क्यों, क्योंकि 1 इज लेस देन 2 एंड 2 इज लेस देन 3, बट मैं ऐसा नहीं बोल सकता कि 2 जो है लेस देन 1 होगा। तो ये जो है डिफाइन नहीं हो पाएगा। तो इसलिए ये जो रिलेशन लेस देन वाला जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव है, रिफ्लेक्सिव नहीं है और ना ही सिमेट्रिक है। तो ये इस टाइप के एक एग्जाम्पल हो गया, है ना। तो ऐसे हम इसको सॉल्व करेंगे, है ना। अब आगे देखते हैं हम लोग फिफ्थ पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट हमारे पास है, फिफ्थ पॉइंट में है, हमने देखा है फिफ्थ पॉइंट में लिखा हुआ है कि एग्जांपल ऑफ रिलेशन विच इज ट्रांजिटिव बट नॉट रिफ्लेक्सिव एंड नॉट सिमेट्रिक। तो ये पांचवा पॉइंट में क्या है, हम बोल सकते हैं यहाँ पे ये रिलेशन ऑफ ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव का रिलेशन, हमको ट्रांजिटिव रिलेशन का एग्जांपल देना है जो जो ना तो रिफ्लेक्सिव हो और ना ही, है ना, एंड ना ही सिमेट्रिक। तो ये दोनों चीज ना हो, ऐसा हमको एग्जांपल देना है। तो ये जो रिलेशन है ना, यही रिलेशन जो है पांचों को इंडिकेट करेगा। अब कैसे, देखिए हम लोग ट्रांजिटिव में क्या करते हैं, ए रिलेटेड टू बी और बी एंड बी रिलेटेड टू एंड बी रिलेटेड टू सी, देन ए रिलेटेड टू सी होता है। फॉर एवरी ए बी सी बिलोंग्स टू सेट। तो सेट का जो मेंबर मैंने लिया है ए, है ना। तो आप इसमें चेक कर लीजिए कि यह जो ए है 1, 2, 3 जो एलिमेंट मैंने लिया है और इसमें मैंने जो आर डिफाइन किया है वो क्या डिफाइन किया है, लेस देन साइन। तो ये जो लेस देन साइन वाला जो है ना वो क्या होगा, जैसे मैं एक ही स्थान पे 1 पुट कर देता हूँ, 1 लेस देन 2 एंड 2 लेस देन 3, देन क्या हो जाएगा हमारे पास, 2 लेस देन 3 देन 1 लेस देन 1 लेस देन 3, ऐसा बोल सकते हैं। और ये हर एक मेंबर के लिए सेटिस्फाई हो रहा है पांचों का, ठीक है। तो इसलिए ये हम कह सकते हैं कि ये जो है ट्रांजिटिव रिलेशन है बट रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है, है ना। अब आते हैं नेक्स्ट एग्जांपल पे। तो नेक्स्ट एग्जांपल है कि ऐसा रिलेशन हमको बताना है जो क्या हो, केवल सिमेट्रिक हो, क्या हो, केवल सिमेट्रिक हो बट ट्रांजिटिव ना हो, बट नॉट ट्रांजिटिव एंड नॉट रिफ्लेक्सिव। तो ये दोनों चीज ना, तो हम क्या कहेंगे, कैसे इसको बताएंगे।
तो इसमें भी हम क्या कर सकते हैं, सिमेट्रिक रिलेशन के लिए हम लिख लेते हैं a इज इक्वल टू 1, 2, 3। और सिमेट्रिक रिलेशन के लिए हम बात करें तो रिलेशन हम लिखते हैं जिसमें मेंबर लिख लेते हैं 1 से 2, 2 से 1, फिर हम लिख लेते हैं 2 से 3, 3 से 2, ठीक है, ऐसा लिख लेते हैं। और वन से थ्री और 3 से 1, ऐसा रिलेशन बताइए। तो ये जो रिलेशन है वो क्या होगा हमारे पास, हाँ ये दो दो रिलेशन होगा यहाँ पे, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव बट नॉट रिफ्लेक्सिव। तो ये सिमेट्रिक भी होगा और ट्रांजिटिव भी होगा लेकिन रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो एक ऐसा रिलेशन है जो क्या होगा, 1 से 2 रिलेशन रखता है और 2 से 1, वैसे ही 2 से 3 और 3 से 2, मतलब यहाँ पे सिमेट्रिक रिलेशन है और ट्रांजिटिव रिलेशन है। ट्रांजिटिव कैसे है, क्योंकि 1 से 2 और हम लिख सकते हैं 2 से 3, देन 1 से 3 होना चाहिए तो 1 से 3 मौजूद है। तो इस तरीके से ये ट्रांजिटिव भी है एंड सिमेट्रिक भी है बट नॉट रिफ्लेक्सिव है। तो इस तरीके से हम लोग 6 नंबर के एग्जाम्पल पे देखें। अब आगे देखते हैं एग्जाम्पल ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है, इक्विवेलेंस रिलेशन इसके बारे में आपको बता चुका हूँ, आप मेरे पिछले वीडियो में देख सकते हैं, कि यदि आप उस वीडियो को नहीं देखे हो तो उसको देख लीजिएगा। तो इक्विवेलेंस रिलेशन में क्या क्या होते हैं कि यदि कोई रिलेशन जो है इक्विवेलेंस रिलेशन तभी कहलाता है जब वह रिफ्लेक्सिव हो, ट्रांजिटिव हो और साथ में सिमेट्रिक भी हो। तो ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होगा तभी हम बोल सकते हैं कि वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। तो इक्विवेलेंस रिलेशन होगा तो उसके लिए क्या करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं, इसको हम कैसे प्रूव करेंगे। तो इसको हम प्रूव कर सकते हैं इस तरीके से, हम बोल सकते हैं कि एक मैं रिलेशन डिफाइन कर रहा हूँ, वह जो रिलेशन है बराबर होना, ये जो रिलेशन है बराबर होना एक है ना, और इसमें मैं कोई भी एलिमेंट ले सकता हूँ। जैसे मैंने अभी ले लिया कि a इज इक्वल टू ए बी सी, ये हो सकता है आपका इंटीजर हो, पूर्णांक हो, है ना, तो इसमें से कोई एक मेंबर है ना। अब इसको हमको बताना है कि यह जो है इक्विवेलेंस बराबर होना रिलेशन जो है वो इक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं। तो उसके लिए क्या क्या चाहिए, हमको तीन चीज चाहिए, क्या क्या, एक तो सिमेट्रिक चाहिए, एक तो रिफ्लेक्सिव चाहिए, फिर सिमेट्रिक चाहिए, फिर ट्रांजिटिव चाहिए। तो मैं लिखूंगा रिफ्लेक्सिव में हम कहेंगे स्वतुल्य, हिंदी में कह सकते हैं इसको स्वतुल्य। तो ये जो हमको चाहिए उसके अकॉर्डिंग हम बोलेंगे क्या, कोई भी एक एलिमेंट लीजिए आर्बिट्री सेट। तो हमने लिया ए का कोई मेंबर लिया जो कि अपने से लिया, सेट का मेंबर ले लिया और हम बोल रहे हैं कि ए रिलेशन है ए के साथ। अब ये सेटिस्फाई होता है कि नहीं होता ये आप चेक कर सकते हैं। सिंपल सी बात है कि ए या कोई भी मेंबर अपने खुद के तो बराबर होगा ही, क्योंकि बराबर होना हमने रिलेशन लिखा है, मतलब ए बराबर होगा ए के फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए के लिए, ये सत्य है हमारे पास। तो यदि ये सत्य है इसका मतलब हमारे पास आर जो है वो क्या है, आर इज रिफ्लेक्सिव, आर इज रिफ्लेक्सिव या स्वतुल्य है। अब आगे हम देखते हैं R को हम क्या प्रूव करते हैं, सिमेट्रिक प्रूव करते हैं। तो हम लिख लेते हैं सिमेट्रिक, जिसको हम हिंदी में कहते हैं सममित, सममित। तो ऐसा प्रूव करना है हमको, तो इसके लिए दो मेंबर लेना है, कौन कौन सा, A और B बिलोंग टू A के लिए, जो भी आप कोई भी ले सकते हो, A और C को भी ले सकते हो, A और B को भी ले सकते हो, चलेगा ठीक है। तो A और C हमने ले लिया जिसमें हम बोलेंगे कि A आर B है ना, तब हमको प्रूफ करना है कि बी आर ए होगा ठीक है, ये प्रूफ करना है। तो ए रिलेशन है बी के साथ, तो इसका मतलब कौन सा रिलेशन है, तो ए बराबर बी, मतलब आर की जगह में मैं बराबर वाला साइन लिख सकता हूँ। तो इससे मैं ये बोल सकता हूँ
बी जो होगा वो ए के बराबर है, लिख सकते हैं चाहे ए बराबर हो बी के या बी बराबर हो वो ए के चलेगा, है ना। तो इससे हमको ये पता चल गया कि हमारे पास बी रिलेशन हो गया ए के साथ में, रिलेट हो गया। तो इस और ये मैंने क्या लिया था, सिक्स मेंबर कोई भी चुन सकते हो आप, तो इसका मतलब ये फॉर एवरी ए बी के लिए सेटिस्फाई हो गया, मतलब हर एक ए का हर एक मेंबर कोई भी मेंबर मैं चुनूँ उसके लिए सत्य है, और यदि ये सत्य है इसका मतलब आर जो होगा वो क्या बन गया, सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक है। तो आगे थर्ड हमको प्रूव करना है ट्रांजिटिव को, और यदि हम तीनों प्रूव कर देते हैं तो वो इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा। अब आगे देखते हैं थर्ड को प्रूव करते हैं हम लोग ट्रांजिटिव के लिए। तो थर्ड हम लिख लेते हैं ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव या कहेंगे संक्रमक। तो संक्रमक के लिए हम बात करें, ये क्या हो जाएगा, संक्रमक के लिए मैं ए बी सी तीन एलिमेंट लूंगा ए से, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना है कि हमको ए रिलेशन बी दिया गया है और बी रिलेशन सी दिया गया है, अब आपको बताना है कि ए का रिलेशन सी के साथ होगा, ये आपको प्रूव करना है। तो हम क्या कर लेते हैं कि ए इज इक्वल टू बी एंड बी इज इक्वल टू सी लिख लेते हैं, क्यों, आर के स्थान पे बराबर हमारा डिफाइन है, तो इसलिए हमने बराबर लिख लिया। अब क्या कर लेते हैं कि ये जो बी है ना उसके जगह में हम रख देते हैं सी, एक बार लिख देते हैं कि यहाँ पे बी है यहाँ भी बी है, तो इस बी को यहाँ पे रख देते हैं, तो क्या हो जाएगा ए इज इक्वल टू सी, और यही तो हमको चाहिए था कि ए आर सी, ये हो गया हमको प्रूफ करना था, हो गया हमारा प्रूफ। और ये तो हमने अपने से लिया है कोई भी स्ट्रक्च, और ए बी सी फॉर एवरी ए बी सी जो के लिए वो ट्रू है, इसका मतलब हमारे पास क्या हो गया, आर इज ट्रांजिटिव, है ना, ट्रांजिटिव। तो ये तीनों चीज प्रूफ हो गया, तो इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं कि आर का जो आर जो है हमारे पास वह क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन है ना। तो इस तरीके से हम सारे एग्जाम्पल पढ़े हैं स्टूडेंट, और आप एक बार अच्छे से उसको स्टडी करिएगा, इक्विवेलेंस आर इज इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो यदि आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा और अपने दोस्तों को शेयर करिए।